इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आप आए, हस्तों से जो महिलाएं आई, आपका मैं शुरुआत में ही दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। पांच साल से नरेंद्र मोदी जी वादे करते जा रहे हैं। पहले नारा हुआ करता था, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे। अब नया नारा सुनिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। अब बीजेपी वालों ने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से शिकायत की, इलेक्शन कमीशन को कहा कि राहुल गांधी चौकीदार शब्द का प्रयोग कर रहा है, राहुल गांधी को चौकीदार शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। अब मैं क्या चौकीदार बोलता हूं, जनता जवाब देती है, सुनिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। अब नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं लगा, पहले कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं तो चौकीदार बनना चाहता हूं। अब जब राहुल गांधी कह रहा भैया चौकीदार, देश के राज दे रहे हैं, क्यों है, क्यों कह रहा है? देश आज और आप किसी भी चौराहे पर चले जाइए, बुंदेलखंड के किसी भी चौराहे पर चले जाइए, गांव में चले जाइए, शहर में, स्कूल में, कॉलेज में, और ये सब बोलिए चौकीदार जान ले। देखिए चौकीदार, आप कोशिश करिए, जाइए रेस्को बोर्ड के सामने दिल्ली में, आप जाइए बोलिए चौकीदार जवाब मिलेगा। जब नरेंद्र मोदी जी घर के सामने जो सिक्योरिटी वाले खड़े हो गए चोर है, मैंने भी कोशिश की है, मगर मैं गारंटी बोलता हूं, अगर आप रेस्को बोर्ड के सामने खड़े गए, वो बंदूक लिए खड़े रहते हैं सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, उनके सामने आप जब चौकीदार को कहेंगे चोर है, क्यों? क्योंकि पिछले पांच साल में नरेंद्र मोदी ने 5,55,000 करोड़ रुपया पंद्रह लोगों का जमा किया, 30,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को